दिन भर के प्रायोजक हैं होटल फाइव सेंसेस, एके टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी ने वृक्षारोपण कर वन महोत्सव का किया शुभारंभ। विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के जवानों ने किया पैदल गश्त। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री ने बैठक कर वन महोत्सव को सफल बनाने की अपील। विश्वविद्यालय में बवाल पर बोले कुलपति, कहा बाहरी छात्रों पर होगी कार्रवाई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने विरोधियों पर कसा तंज, कहा कुर्सी के लालच में सभी हुए एकजुट। कोतवाली थाने के पुलिस ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में तीन वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वन महोत्सव के तहत डीडीओ कुलपति ने वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। निपुण भारत मिशन अभियान के तहत 100 विद्यालयों के 100 शिक्षकों की कराई गई कार्यशाला। रामगढ़ताल थाने पर थाना समाधान दिवस पर सुनी गई फरियादियों की समस्या। और विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कुलसचिव पर हमले के विरोध में अध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत गोरखपुर पहुंचे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान पहुंचकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आम जनमानस से भी वन महोत्सव के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने में लगी हुई है, ऐसे में हम सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, प्राणी उद्यान के निदेशक राजा मोहन, DFO विकास कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बहुत अच्छा, सब लोग अपने माता से और पिता से मूवी करने लगा। मिर्जापुर में एक व्यक्ति ऐसा है जो मिस्टर ग्रीन कहलाता है। उसका काम केवल एक ही है कि रोज एक पेड़ लगाए और 2800 पेड़ उन्होंने जिस दिन लगाए थे उस दिन हमको बुलाया था, तो 2801वां पेड़ हमने उनके साथ लगवाया। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा संकल्प है जो हमारे देश को, समाज को, खास तौर से हमारे एनवायरमेंट को बेहतर करने में सहयोग करता है। नमस्ते, सब लोग प्रणाम कीजिए ना, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़ के। जय श्रीमान। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोरखपुर के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया, वृक्षारोपण तो बहुत पहले भी हुआ है,
पहले भी होता रहा, लेकिन एक अभियान की तरह से कार्यक्रम बनाकर सभी लोगों को लक्ष्य तय देकर पौधारोपण करना मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय की मांग है। और ग्लोबल वार्मिंग के इस एरा में मैं समझता हूँ कि ये ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज़ करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे वृक्षारोपण का है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में वन विभाग का लक्ष्य निर्धारित किया, हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं का लक्ष्य निर्धारित किया और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी का लक्ष्य निर्धारित करके ये जिम्मेदारी दी गई कि हम आज के समय में वृक्षारोपण को बढ़ावा दें। और आज के दिन 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुजफ्फरनगर और बिजनौर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और प्रदेश के जितने भी प्रभारी मंत्री हैं जनपदों के उन लोगों को भी ये टारगेट दिया गया है कि आप लोग भी जहाँ जहाँ के प्रभारी हैं वहाँ पर जाकर इस वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भाग लें। आज मुझे भी गोरखपुर के साथ लखनऊ भी दिया गया है, मैं अभी यहाँ पर हूँ आपके बीच में और मैं 2 बजे लखनऊ में पहुंचकर वहाँ पे भी 3-4 कार्यक्रम हैं उसमें भी मैं भाग लूँगा। आप समझ सकते हैं कि जिस गंभीरता के साथ जिस शिद्दत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने इसमें रुचि ली है ये निश्चित रूप से हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे सब शब्द को मैं समझता हूँ कि डाइल्यूट करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इस प्रयास की भी सराहना करता हूँ और आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि सभी लोगों को इसमें भाग लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए और हर तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की समस्या समय समय पर हमारे सामने उत्पन्न होती है उसको भी मिनिमाइज करने में ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग करेगा। इसके साथ ही हम सभी लोगों को खासतौर से गोरखपुर वासियों को आज हमारे जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं HDFC के लोग भी आए हैं, कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लोग आए हैं, वन विभाग के लोग हैं, सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आज के इस मौके पर आप लोगों ने इसमें विशेष रूप से अभियान में सहयोग किया और स्वयं भी इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को समझते हुए इसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में हमारे मेयर साहब भी हैं, हमारे राज्यसभा के सांसद श्री राधामोहन जी भी हैं, सभी लोग इसमें पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कुलसचिव पर हमला सहित तोड़फोड़ आदि किए जाने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के जवानों ने विश्वविद्यालय परिसर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और छात्र छात्राओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोरखपुर पहुंचे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान सभागार में बैठक कर वन महोत्सव के विजन को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत हम सभी को पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ वृक्षारोपण आंदोलन से जुड़ना होगा। स्कूली बच्चे अपने घरों पर कम से कम 2 पौधे जरूर लगाएं और अपने आसपास व परिजनों को भी पौधारोपण अभियान से जुड़ने की अपील करें। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर मुख्य विकास अधिकारी श्री संजय कुमार मीणा जी, आप सभी का शुभागमन आज के उत्कर्ष ग्लोबल फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक आंदोलन, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अनवरत इस समय सावन का महीना चल रहा है। हमारे महाकवि सुमित्रानंद पंत जी ने कहा था ऑक्सीजन के लिए मृत्यु को ना प्राप्त हो ऐसी मंशा लेकर के वन विभाग सघन भावना है
हम किस प्रकार से अधिक से अधिक वृक्षारोपण में सहयोग कर सकेंगे। बहनों और भाइयों, जिस पवित्र आत्मा के नाम पर ये प्राणी उद्यान बना है, वो अमर शहीद, उसने शाहजहांपुर में पहली सांस ली थी। मैं जिस क्षेत्र से विधायक हूँ, उसका कार्य क्षेत्र शाहजहांपुर ही था और शाहजहांपुर में ही वो पैदा होकर बेसिक एजुकेशन प्राप्त की और वो एक बड़े कवि थे, शायर थे, और उसके बाद पंडित राम प्रसाद मिश्र जी के साथ में उन्होंने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया और काकोरी कांड में ये महानायक की भूमिका के साथ उनको मात्र 27 वर्ष की उम्र में फांसी हुई थी। अंग्रेजों के एक बहुत बड़ा खजाना उन्होंने उनका था, अंग्रेज सरकार की चूहे हिलाने के उद्देश्य से। आप कल्पना कर सकते हैं कि मात्र 27 साल की उम्र में किस कदर चित्त और जज्बा रहा होगा अपने देश के प्रति। आज उन्हीं के नाम पर ये अमर शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान स्थापित हुआ है। आज के दिन मैं आपको विशेष रूप से नमन करता हूँ। शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस कर्मियों से झड़प हुई। वहीं कुलसचिव पर हुए हमले की घटना को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। शनिवार को विश्वविद्यालय पहुंचे कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें कुछ बाहरी छात्रों द्वारा यह कृत्य किया गया, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन विचार विमर्श कर उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीडीओ के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने बताया, जो लाइन आगर जो होगा जो उसमें उसे कार्य किया जाएगा। संवाद तो नहीं हो पा रहा अभी, नहीं हो रहा है संवाद, सब हो रहा है। इस तरह से रोजाना छात्रों का बातचीत नहीं, ऐसा नहीं है, बातचीत हो रहा है और उसका रास्ता निकलेगा। और जो छात्र यहाँ पे है बड़े आराम से रहेंगे, जो इनडिसिप्लिन है उनके लिए समस्या है और जो हमारे छात्र नहीं है उनके लिए बाकी किस तरह कार्रवाई होगी। वो जो अपना देखिए तो वो करने दीजिए ना प्रोक्टर बोर्ड को सब। सर इससे पहले भी घटना हो चुकी। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी घटक दल एक साथ एक मंच पर मौजूद होकर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल कर अगली सरकार बनाएंगे। उक्त बातें गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कही। उन्होंने कहा कि विरोधाभासी केवल कुर्सी के लालच में एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है। मोदी जी के कमर के बराबर नहीं है कोई, और आप इसका नतीजा देख लिए कि जितने भी विरोधाभासी विचार वाले हैं वो कुर्सी प्राप्त करने के चक्कर में केवल एक हो रहे हैं। आज मोदी जी ने हिंदुस्तान का मान सम्मान इतना बढ़ाया कि पूरी दुनिया आज मोदी जी को नेता के रूप में स्वीकार कर रही है। और जितने लोग ये इस प्रकार की भावना कि मोदी जी को हटाओ या मोदी जी के खिलाफ मोर्चा बनाओ या मोदी जी को पराजित करो, ये केवल कुर्सी पाने के लिए है और इनके पास कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिससे देश का कल्याण। आपने अभी UNDP का रिपोर्ट देखी होगी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने खास तौर से साफ साफ कहा है कि 2015-16 से लेकर और 2020-21 तक 38% लोग गरीबी की घटी है, 38% लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है कि जिस दिन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश की जनता की सोच बदली, एक पब्लिक परसेप्शन बदला है। और पब्लिक परसेप्शन सामान्य स्थितियों में नहीं बदलता, जब तक कोई विशेष बात नहीं होती है तब तक पब्लिक परसेप्शन नहीं बनता। इसलिए आज देश की आम आदमी, आम जनता, और ख़ास तौर से चाहे इंटेलेक्चुअल क्लास से लेकर हो और चाहे बिल्कुल डाउन ट्रॉडन हो,
चाहे गरीबतम व्यक्ति हो और चाहे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति हो, सभी लोग चाहते हैं कि मोदी जी इस देश को और ज़्यादा बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं और ज़्यादा दुनिया में सम्मान भारत का बढ़ सकता है। इसलिए आवश्यकता यही है कि फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह, हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9830 1600 9995 9985 9088। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली थाने के पुलिस ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध देशी पिस्टल व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि विगत दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र के राज नर्सिंग होम के पास पुरानी रंजिश में हत्या की नियत से फायर किया गया था, जिसमें गोली राहगीर को लग गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शाहिल कन्नौजिया, आनंद साहनी व सृजन दिव्यांश के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, कोतवाली क्षेत्र में 17 जुलाई की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर गई, मौका पर जानकारी मिली कि एक प्रिंस नाम के लड़के जो कि एक ऑटो में बैठ के मोबाइल चला रहा था, उसी समय एक बुलेट और स्कूटी पर सवार कुल 6 लोगों द्वारा पहले प्रिंस के साथ में मारपीट की गई और उसके बाद में उस पर फायर किया गया और वो फायर प्रिंस को ना लग के एक राह चलते व्यक्ति को लगा और उसके बाद में उसको अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी हालत स्थिर है। इसके बाद में पुलिस ने CCTV फुटेज वगैरह पता की और पूछताछ से पता चला कि एक साहिल कनौजिया और सृजन दिव्यांश नाम के दो लोग हैं, एक बुलेट पर और एक स्कूटी पर आए थे और इनका पुरानी रंजिश आज से करीबन 2-3 साल पहले प्रिंस की बहन की छेड़खानी से संबंधित थी, जिसमें प्रिंस भी स्वयं जेल गया था। उसके बाहर आने के बाद में वापस बदला लेने की भावना से ये फायर किया गया था और घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है हालांकि वो बरामद कर लिया गया है। पिस्टल के साथ में घटना में प्रयुक्त जो स्कूटी है वो भी बरामद कर ली गई है। उसके साथ साथ 3 अभियुक्त साहिल कनौजिया, आनंद साहनी और सृजन दिव्यांश, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 अभी वांछित हैं और एक बुलेट है वो भी अभी तक पकड़ी जानी शेष है। जल्द ही इन लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और बुलेट की भी रिकवरी है की जाएगी। क्या अपराधी किया गया सर? इनमें से जो साहिल कनौजिया है उस पर अभी वर्तमान मिला के 2 मुकदमे, अभी 3/25 आर्म्स एक्ट का और फायरिंग का लिखा गया, उससे पूर्व में उसके ऊपर 3 मुकदमे हैं।
आनंद साहनी के ऊपर भी पूर्व के मुकदमे हैं। इन लोगों का क्रिमिनल इतिहास रहा है, मारपीट का पूर्व के कई मुकदमे उनका दर्ज। पिस्टल कहाँ से? पिस्टल ये अपने मोहल्ले की किसी एक व्यक्ति से लेना बताए हैं, जिस व्यक्ति की वर्तमान में डेथ हो चुकी है। लेकिन ये देखने से पता चल रहा है कि ये एक कंट्री मेड पिस्टल है और संभवतः इसको कहीं ना कहीं इस प्रदेश से बाहर कहीं से प्रोक्योर किया गया। वन महोत्सव के तहत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह के तहत विश्वविद्यालय परिसर में 75 पौधे लगाए गए, जिसका शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह द्वारा वृक्षारोपण कर किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीडीओ के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया, वृक्षारोपण अभियान है और आज सिंबोलिक 75वें उस पर हम 75 पौधे लगाएंगे। तो मैंने पहला पौधा मैंने लगाया है, उसके बाद NSS के कार्यकर्ता, हमारे टीचर्स और लोग लगाएंगे। तो ये सिम्बोलिक मैसेज है, ये सभी यूनिवर्सिटी में हो रहा है और सारे देश में हो रहा है। तो ये एक शेड्यूल प्रोग्राम गवर्नमेंट का आया हुआ है, हर जगह पे हो रहा है, उसका शुरुआत हम। विश्वविद्यालय में कितने वृक्षारोपण किए जाएंगे? 75 लगे हुए हैं, आज 75 आज किए जाएंगे। अभी आए थे सर लंच के बाद, फिर DM SP भी आएंगे, तो थोड़ा सा बाकी ये उधर करेंगे वाटिका में, कुछ यहाँ पे कर ले रहे हैं। निपुण भारत मिशन अभियान के तहत जनपद के 200 विद्यालयों के शिक्षकों की कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस स्थित NXC भवन सभागार में किया गया। बता दें कि विगत 19 जुलाई को 100 विद्यालयों के 100 शिक्षकों की कार्यशाला सकुशल संपन्न कराई गई थी। इसी क्रम में 22 जुलाई को बचे हुए 100 विद्यालयों के 100 शिक्षकों की कार्यशाला कराई गई, जिसमें लक्ष्य के सापेक्ष मार्ग 24 तक विद्यालयों को निपुण विद्यालय बना सके, इस दिशा में इन्हें कार्यशाला में सम्मिलित कर विभिन्न बारीकियों व आधुनिक शिक्षा सहित अन्य विषयों को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक विवेक जायसवाल ने बताया, ये 19 और 22 तारीख को जनपद के 200 ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए थे जो निपुण असेसमेंट टेस्ट में बॉटम 200 में थे। तो 100 शिक्षकों की कार्यशाला हमारी 20 तारीख को थी और 100 की आज 22 तारीख को है। इन्हें हमें इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को बुलाया गया है, इन्हें हम एक रोड मैप, एक दिशा, कैसे ये अपने विद्यालयों को मार्च 2024 तक निपुण विद्यालय घोषित करें, इस दिशा में इनको एक गाइडलाइन देने के लिए, एक रोड मैप देने के लिए आज ये कार्यशाला बुलाई गई है। इस कार्यशाला में हमने 2 ऐसे विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने विद्यालयों को निपुण घोषित किया है। उनका कहना है कि आप हमारे विद्यालय में आएँ और हमारे बच्चों का असेसमेंट करें और देखें कि हमारे सभी बच्चे निपुण बच्चे हो गए हैं। ऐसे हमारे आनंद जी हैं आमकोल से, सरदार नगर से, और प्राथमिक विद्यालय तिनकोनिया चरगावा से गीता देवी जी हैं। आज ये दोनों शिक्षक भी अपने विद्यालय का प्रेजेंटेशन इन लोगों के सामने रखेंगे और इनको बताएंगे कि कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी रणनीति है जिनका इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोग करके अपने विद्यालयों को निपुण बनाया है। साथ ही साथ इसमें अल्पा निगम जो भाषा की शिक्षाविद हैं और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजी गई हैं, वो भी भाषा के क्षेत्र में कैसे अपने विद्यालयों को निपुण बनाएं इस पर देंगी, और अभय पाठक जी ब्रह्मपुर से हैं, वो गणित में कैसे अपने बच्चों को निपुण बनाए इस पे प्रशिक्षण देंगे। शासन के निर्देश के क्रम में थाना समाधान दिवस का आयोजन जनपद के समस्त थानों पर किया गया।
इसी क्रम में रामगढ़ताल थाने पर भी थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर मौजूद पुलिस कर्मियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। गांव के हर आदमी का उसमें शेयर है, सरकार का शेयर है, गांव के बच्चे वहां पढ़ेंगे। सीमा तुम कल्याण का निर्माण कैसे होगा? एक्सचेंज हो सकता है लेकिन उस गांव में अगर प्राथमिक विद्यालय बता दो, कोई सरकारी बिल्डिंग हो वहाँ पर स्कूल है ना। हाँ शुक्रवार को विश्वविद्यालय के ईडी भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस कर्मियों से झड़प व कुलसचिव पर हुए हमले से विश्वविद्यालय के अध्यापकों में काफी रोष व्याप्त है। घटना का विरोध करते हुए अध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर पठन पाठन का कार्य संपन्न कराया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने बताया, जो कल हमारे विश्वविद्यालय की जो घटना हुई है, जो हमारे शिक्षक वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर अजय सिंह जी जो कुल सचिव का दायित्व भी संभाले हुए हैं और हमारे कुलपत कार्यालय में कुलपत जी के साथ जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं छात्रों के द्वारा, छात्र संगठनों के द्वारा, इसकी हम अत्यंत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम लोग इसी के विरोध स्वरूप यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिला प्रशासन से हम को ये संज्ञान में लाने के लिए कि जिला प्रशासन तत्काल चिन्हित छात्रों जिन्होंने ये कार्य किया है, जिन भी या अराजक तत्वों जो भी हैं उनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई करें, उन्हें उनके स्थान पर पहुँचाएँ और ताकि शिक्षक सम्मान जो है, जो हमारा सम्मान है, वो कायम रह सके और हमारे पठन पाठन में कहीं बाधा ना आवे। ये विरोध प्रदर्शन हम शिक्षकों के सरोकारों का विषय है। शिक्षक के साथ यदि अमर्यादित आचरण होगा तो हम सभी को एकत्रित होना चाहिए और आज हम सभी इसीलिए आप देख रहे होंगे बहुत दिनों बाद विश्वविद्यालय का शिक्षक समुदाय एकत्रित हुआ है। हमारी सभी छात्रों से अपील है, छात्र संगठनों से अपील है कि इस विश्वविद्यालय परिसर को स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनाने में वे अपना भरपूर योगदान दें। हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी गोरखपुर के शैक्षिक और आध्यात्मिक जगत का उत्थान होगा। हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और काली पट्टी अपना ग्रहण करके हम लोग विरोध अपना दर्शा रहे हैं क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिसमें हम लोग पठन पाठन के अलावा एक सभ्य समाज में कैसी संस्कृति होनी चाहिए, कैसे लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, उन सब का हम लोग जो है एक तरह से अपने बच्चों को हम लोग वो बताते हैं और ऐसा इस संस्था में जो कि मतलब एक अग्रणी संस्था है जिससे कि समाज का हित साधा जाता है, उसमें इस तरह की घटना घोर निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। किसी भी शिक्षक एक समाज का एक लीडर होता है, वो मूल्यों का एक वो ट्रांसमिट करता है, तो उसके ऊपर इस प्रकार की घटना हो ये बहुत ही घोर निंदनीय है और हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और ये चिंतनीय विषय भी है। ये विरोध प्रदर्शन जो कल घटना घटी तो एक सम्मानित शिक्षक जो कुल सचिव भी हैं उन पर हमला हुआ है कुछ लोगों द्वारा,
ये अत्यंत निंदनीय है और एक सभ्य समाज में इस प्रकार की जो शिक्षक समुदाय पर हमला हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं अत्यंत निंदनीय है। छात्र हमारा होता है, हम उसे ज्ञान देते हैं, और लेकिन छात्रों में अगर इस तरह के अनुशासनहीनता आती है तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों को कमज़ोर करती है। इस तरह की घटनाएँ वीडियो क्लिपिंग आप लोग देख रहे होंगे जो हो रही है वो अत्यंत खेदजनक है। हम सभी इसके विरोध में यहाँ पर सांकेतिक रूप से एकत्रित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी सचेत रहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो शिक्षक समुदाय पर हमला हो रहा है वो आने वाले समय के लिए एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें न्याय देंगे। आपका नाम? डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय, राजनीति विज्ञान विभाग। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी ने वृक्षारोपण कर वन महोत्सव का किया शुभारंभ। विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के जवानों ने किया पैदल गश्त। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री ने बैठक कर वन महोत्सव को सफल बनाने की अपील। विश्वविद्यालय में बवाल पर बोले कुलपति, कहा बाहरी छात्रों पर होगी कार्रवाई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री ने विरोधियों पर कसा तंज, कहा कुर्सी के लालच में सभी हुए एकजुट। कोतवाली थाने की पुलिस ने फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में 3 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वन महोत्सव के तहत डीडीओ कुलपति ने वृक्षारोपण अभियान का किया शुभारंभ। निपुण भारत मिशन अभियान के तहत 100 विद्यालयों के 100 शिक्षकों की कराई गई कार्यशाला। रामगढ़ताल थाने पर थाना समाधान दिवस पर सुनी गई फरियादियों की समस्या। और विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कुलसचिव पर हमले के विरोध में अध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।